व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ पे अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना खुश क्यों। तो भाई खुश होने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे मोनोकाइट ने एक बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है मोनोकाइट ने यहाँ पे। और दोस्तों मतलब इतनी खुशी की बात है, ये खुशी मैं अपने तक ही नहीं आप तक सीमित रखना चाहता हूँ कि दोस्तों आप मेरी फैमिली हो और आप मेरे दोस्त हो, भाई आप और हम मिलकर दोनों मिलकर सेलिब्रेट करें, ठीक है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई खुशी क्या है, रुक जाओ भाई बताऊंगा। भाई दोस्तों इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर आपने वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा, यकीन मानिए दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे मोनोकाइट कंपनी ने लॉन्च कर दिया है कॉटन मांजा, जी हाँ दोस्तों मोनोकाइट कंपनी ने यहाँ पे कॉटन मांजा लॉन्च कर दिया है, बहुत ही खुशी की बात है। अभी मैं आपको उसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि कैसा मांजा है, किस तरीके से होने वाला है, बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है ना। अब बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि यार मोनोकाइट कॉटन का मांजा तो हमने बहुत बार सुना है। तो सोच रहे होंगे आपकी हमने मोनोकाइट कॉटन का मांजा तो देखा हुआ है, सभी यूट्यूबर ने दिखाया हुआ है, कि इसमें आप क्या अलग बता रहे हो। देखो भाई मेरे में और उनमें बहुत डिफरेंस है दोस्तों, मैं जो चीज़ की अनबॉक्सिंग करूंगा उसकी रियलिटी बताऊंगा, उसकी टेस्टिंग भी रियलिटी होगी, ठीक है ना। अगर कोई मांजा अच्छा होगा तो उसे अच्छा कहूंगा, अगर कोई मांजा खराब होगा ना तो उसकी एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा धज्जे उड़ाने में, ठीक है। बात तो सही है मेरे में और उनमें ये फर्क है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आपका टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं लूंगा, आपको सीधा वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में चलो भाई। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका पूरा का पूरा रिव्यू दिखाऊंगा मोनोकाइट के कॉटन मांजे का, ठीक है ना। और कौन सा ये ब्रांड है वो भी मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। क्या तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी एक बार पैकिंग देख लेते हैं, पैकिंग किस तरीके से डिजाइन की है कंपनी ने, ये देखिए दोस्तों। वाओ क्या जबरदस्त चीज बनाई है भाई मोनोकाइट कंपनी ने, ये देखिए दोस्तों। ये अगर किसी के दिमाग में भ्रम है ना कि ये कॉटन का मांजा नहीं है, प्लास्टिक का ही मांजा है, ठीक है ना, तो उसके दिमाग का भ्रम भी मैं इसी वीडियो में उतार दूंगा, ठीक है। चिंता मत करो भाई, सारी चीज बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी ऊपर की पैकिंग की बात करते हैं, ऊपर क्या लिखा है कंपनी ने, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे लिखा है गो स्काई करके और यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में कॉटन मांजा। दिमाग की बत्ती जला लीजिए, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं अपने सब्सक्राइबर को नहीं बोल रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ जो कुछ गलत सलत कमेंट करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए दोबारा से ध्यान से, कॉटन मांजा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए ये क्या है, रजिस्टर्ड नंबर है इनका कुछ www.monokite.net.in, ठीक है ना, ये इनकी वेबसाइट है। कभी मैंने इस वेबसाइट को सर्च नहीं किया है, आप लोग सर्च कर लेना, देख लेना कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कभी इस वेबसाइट पर सर्च किया नहीं है, आप लोग देख लेना, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी दूसरी तरफ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसकी दूसरी तरफ भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है गो स्काई करके और कॉटन मांजा, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें स्टिक भी लग जाएगी दोस्तों, ठीक है ना, इसमें स्टिक आपकी आसानी से लग जाएगी। और दोस्तों जो जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम आप अगर ये परचेज कर रहे हो तो वो ही पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। जरा सा भी तस से मस हुआ, आपका प्रोडक्ट आपको कोई भी फेक पकड़ा सकता है, ठीक है ना। किसी यूट्यूबर ने भी नहीं डाली होगी इसकी वीडियो, ठीक है ना। मैं आपको पहले भी कहता था ये बात कि जब भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले अपडेट या तो मेरे पास या मेरे से भी कुछ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं उनके पास तक आ जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वाली वीडियो लेके आ गया हूँ ताकि कोई भाई गलत कमेंट ना करे, ठीक है ना। अब भाई नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नंबर कुछ करके ये और www वो ही वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। अब मेन बात आ जाती है इसकी पैकिंग की। वाओ, अब आप कह रहे होंगे दोस्तों कि ये भैया गो स्काई क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये गो स्काई करके कॉटन मांजा है जो कि मोनोकाइट ने तैयार किया है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे। सपोज करिए कि यहां पे स्मैशर है, ठीक है। स्मैशर, जिसने मेरी स्मैशर की वीडियो नहीं देखी वो जाके चेक कर ले, ठीक है ना। स्मैशर क्या है, स्मैशर एक लेबल हो गया, ठीक। उसको बना कौन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइकर जैसी कंपनी बना रही है, ऐसे ही ये सेम समझो आप। गो स्काई एक लेबल हो गया, इसको बना कौन रहा है, मोनोकाइट। अब की बार उसने कॉटन मांजा यूज किया दोस्तों, ठीक है। वो तो पता लगेगा मार्केट में कितना धुआं उतारेगा कितना धुआं नहीं उतारेगा, ठीक है ना, क्या परफॉर्मेंस देगी, सारी चीज पता लगेगी धीरे धीरे पता लगेगी। जैसे कि मोनोकाइट ने मोनोकाइट फाइटर लॉन्च किया, मोनोकाइट फाइटर क्या हो गया, लेबल, और बना कौन रहा है, मोनोकाइट। मोनो वेलपन लेबल, बना कौन रहा है, मोनोकाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए आप कि आपको दोस्तों ये कैसे कैसे पहचानना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गो स्काई करके कुछ इस ब्लू कलर में लिखा होगा इस तरीके से, और इस तरीके से डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। पहली निशानी आपको ये चेक करनी है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा, ठीक है ना, वो भी हाथ में एक स्टिक लिए हुए, स्टिक इसकी पूरी नहीं है, ये पैर के यहाँ पे छुप गई है शायद, ठीक है। और नीचे की साइड में कुछ घास है, ये देख सकते हो दोस्तों आप। यहाँ पे कुछ इनका एक आर्टिकल लिखा हुआ है,
अलेयर इंटरनेशनल करके प्रोडक्ट कोड ये है, लॉट रील मीटर कितनी है, इसको आप ज़्यादा मत सोचना क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊंगा कितना मीटर निकलेगा कितना मीटर नहीं निकलेगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। ये यहाँ से थोड़ा सा इसका रेफर फटा हुआ है, ये दोस्तों इसमें आप कलर देख सको कि इसमें कौन कौन से कलर कंपनी बनाती है, यहाँ से आप कलर देख सकते हो। ये ब्लैक कलर में मैंने मंगवाया कंपनी से, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, मूव करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूसिंग गो स्काई, ये प्रीमियम 110% कॉटन माजा, समझिए दोस्तों। मोनोक्वाइट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है गो स्काई को, जो कि एक 110% कॉटन माजा यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। द इन्वेस्टर ऑफ लेजेंडरी मोनोक्वाइट, गो स्काई विल लीव ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ इट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड ए ट्रू टेस्ट ऑफ काइट फ्लाइंग सपोर्ट। ये काइट फ्लाइंग को सपोर्ट करता है अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस से और एक बेहतरीन टेस्टिंग के साथ में, ठीक है ना। ये मतलब कहना चाह रहा है कि हम लंबे टाइम तक एक छाप छोड़ना चाहते हैं काइट फ्लाइंग जो एक स्पोर्ट है उन पे, जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ लिखा है, सुपर फ्लाई काइट इंश्योर सेफ काइट फ्लाई, आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ का भी खतरा नहीं है। नो पर्सन शुड फ्लाई ए काइट इन ए मैनर डैट क्रिएट्स ए हजार्ड टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, ये अगर आप ले रहे हो तो ये वाली हेडिंग इसमें मेन होनी चाहिए। अब आते आते दोस्तों नीचे की साइड फोर डिटेल विजिट, ये www.goisky.live करके है। मैं सच बताऊं दोस्तों, मैंने अभी तक इस वेबसाइट पे भी क्लिक नहीं किया, ठीक है ना। बाकी इनका यहाँ पे नंबर है, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, आप लोग चेक कर लेना। मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी बात है भारत में बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी और पैकिंग की पहचान, एक काइट का लोगो दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे गो स्काई कॉटन मांजा फिर से आ गया है। ये मैंने आपको एक तरीके से ओरिजिनल पैकिंग की पहचान बताई है, जो जो मैंने आपको सिंबल दिए हैं वही सेम टू सेम इसमें होने चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कॉटन मांजा अगर मोनोकाइट ने लॉन्च किया है तो कैसे लॉन्च किया है, कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है, किस तरीके की पैकिंग है, सारी चीज़ है, ठीक है ना। दोस्तों एक ट्रिक और है इसकी, ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या। ये आपको सामने जो स्टिक फंसाने का निशान देख रहे होगे, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो ये किस तरीके से एंगल में बना हुआ है। अभी मैं आपको उसको पलट के दिखाता हूँ, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है और ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना, ये देखिए दोस्तों, ये है फ़र्क असली, जो इसके सामने वाला है ना वो बिल्कुल इसके पैरेलल है दोस्तों। अगर मैं आपको इसको यहाँ से भी चेक कराऊँ तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे भी चेक कराऊँ तो देखिए दोस्तों सामने वाला कैसे हो गया है डिफरेंट, बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। ये ट्रिक अगर आपको मिलती है तो भाई आपको ले लेना है बिना सोचे समझे, ठीक है। छह तार का मांजा इसमें यूज़ हुआ है, हाथ लागे पता लग जाता है दोस्तों, वाकई में एक खतरनाक मांजा है। बाकी इसकी टेस्टिंग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब इसकी अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं मांजा कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। चलिए तो भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा कोई मांजा नहीं लपेटा है ताकि इसको खोल के आप इसको उतार लो, तो यहाँ पे कुछ टेप वगैरह लगी हुई है, तो टेप नहीं है ये, शायद इसका स्टिकर है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं हटा चुका हूँ, इसको आराम से हटा करके इस पैकिंग को ऊपर का जो रेफर है हटा के कहीं और रख दीजिएगा, ठीक है। ये मैं साइड में रख देता हूँ। ओहो दोस्तों, ये देखिए भाई ब्लैक कलर में, और कहाँ से मांजा निकलेगा कैसे निकलेगा वो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इस वाले मांजे में, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर पैकिंग लगी हुई है बहुत अच्छे से यहाँ पे, भाई मोनोक्वाइट एक काम करती है तो बड़ा सॉलिड काम करती है दोस्तों, नो डाउट। अब ये देखिए दोस्तों मांजा, वाह भाई वाह, ये भाई मैंने पूरा का पूरा निक फाड़ दिया है और मांजा बहुत ही करारा है भाई, खतरनाक एकदम। आइए मैं इस पे मांजे पे आपको काम दिखाता हूँ, काम कैसा किया है कंपनी ने। भाइयों अब इस मांजे में आपको मैं काम दिखाता हूँ कंपनी की तरफ से, कितना काम किया है एक मांजे पे, कितना काम नहीं किया है, ठीक है ना। ये कॉटन का मांजा है, देखते हैं दोस्तों कितना काम किया है कंपनी ने यहाँ पे। ये देखिए भाई, ओ भाई साहब, कांच देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त कांच यहाँ पे यूज़ किया है भाई, कितना ज़बरदस्त कांच है भाई, ये देखिए, देख रहे हो भाई, मतलब मोनोकाइट यार अपने प्लास्टिक पे काम करे या फिर कॉटन पे काम करे, ज़बरदस्त काम करती है भाई, ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों काम देखिए इनको जरा, कितना ख़तरनाक काम है भाई, ये देखिए भाई कितना ज़बरदस्त कांच लगा हुआ है भाई इसमें, ये देखिए, ओ भाई साहब। अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग बनती है भाई ख़तरनाक तरीके से, ठीक है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहली बात तो ये मांजा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें कितना मीटर मांजा आता है भाई, इसके अंदर आता है कम से कम 3 रील, ठीक है ना। मैं साफ बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, 6 रील बता करके आपको यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला, ठीक है ना। जो कंपनी ने मुझे बताया मैं सेम टू सेम आपको वही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर आती है दोस्तों 3 रील। अब मांजा कहाँ पे निकलेगा, ये जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से टेप लगाई गई है इस टेप के अंदर निकलेगा मांजा। इस टेप को हटाता हूँ और टेप हटा करके आपको मांजा दिखाता हूँ, मांजे की क्वालिटी चेक कराता हूँ। ये देखिए भाइयों, टेप मैं हटा चुका हूँ, मांजे को एक बार जरा बारीकी से देखोगे ना, ये देखिए दोस्तों मांजे को आप, वाह
मतलब फील हो रहा है भाई कुछ हाथ में हम ले रहे हैं कुछ, वाकई में यार ख़तरनाक चीज़ बनाई है, ठीक है ना। लेकिन अब आप में से बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि यार ये कॉटन है या प्लास्टिक है, क्या है ये? तो चिंता मत करो दोस्तों, इस चीज़ को भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, आइए वीडियो में। तो भाइयों अब इस चीज़ को मैं प्रूफ कैसे करूंगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो अभी आप मेरे हाथ में ये पूरा का पूरा एकदम कॉटन मांझा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको अपने गले से तोड़ के दिखाने वाला हूँ। अगर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर प्लास्टिक होता तो यह भूल मैं कभी नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है प्लास्टिक गले में फंस जाएगा तो निकलेगा भी नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन ये रिस्क मैं ले रहा हूँ, आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं नहीं सलाह देता आपको ये चीज़ करने की, ठीक है। तो चलते दोस्तों इसको एक बार तोड़ के देखते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ओ ठीक है, ओ ये देखिए दोस्तों, ये देखिए भाइयों, ये देखिए भाइयों, ये देखिए, ये देख सकते हो भैया, तोड़ दिया है मैंने अपने गले से लगा करके। तो जिन भाइयों को ये यकीन नहीं हुआ है कि ये प्लास्टिक है कॉटन है, तो उनको इस वीडियो को देख के यकीन हो जाएगा कि दिस इज़ प्योर कॉटन मांझा, ठीक है। अब मोनोकाइट ने इसको बनाया तो पता नहीं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया है, लेकिन शार्प बहुत है मांझा, लग रहा है भाई, भाई लग रहा है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन दोस्तों कहना चाहूँगा आप प्लीज़ घर पे ट्राई मत करना, लेकिन हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, बर्ड्स के लिए भी नहीं और आदमी के लिए तो खास नहीं, ठीक है ना। इससे आप पतंगबाजी का मजा ले सकते हो, बेहिचक होगे। अब भाइयों बात ये आ जाती है, मांझे की जो क्वालिटी मैं देख रहा हूँ ना, वो तो भाई वाकई में बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसको ओरिजिनल मोनोकाइट फाइटर, ठीक है ना, और जितने भी ये प्लास्टिक की थ्रेड है सबसे एक बार टेस्ट करके देखूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसकी टेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कब लेके आऊँ, ठीक है। क्या ये मांझा स्मैशर, पैराडाइज, प्रीडेटर जैसे बड़े ब्रांड को काट पाएगा या नहीं काट पाएगा, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊँगा, इसकी टेस्टिंग उनके साथ दिखाऊँगा, ठीक है ना। वो भी वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो स्मैशर के साथ दिखाऊँ या प्रीडेटर के साथ दिखाऊँ या ब्राजा मस्ती के साथ दिखाऊँ, वो भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं इसकी प्लास्टिक वर्सेज कॉटन की बहुत खतरनाक वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपस के दोनों ब्रांड जब भिड़ेंगे तो देखने वाली बात होगी कौन सा जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा। आप बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा कैसे नहीं लगा। अगर भाई चैनल पे नए हो तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अच्छा लगता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, हमको मोटिवेट करते हो, ऐसी खतरनाक वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूं आपको किसी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।